ग्रीन पार्टी एक था जिसको पहले था कि उनके पास रहेगा तो ये बात होंगे, ये भी अब पात्रता की श्रेणी में आ गया है। और लैंडलाइन फोन भी पहले एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में था, वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आ गया है, तो ये भी है, तो भी वो पात्र माने जाएंगे। इसके साथ ही जो है जो आय है प्रति माह में वो 10,000 से 15,000 बढ़ा दी गई है, वो 15,000 रुपये प्रति माह की राशि देखी जाएगी। और पहले जो था कि भूमि और इतना नहीं प्रथम शासन देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना एक ग्रामीण को आगे और उसमें आगे बढ़ाने के लिए यूनियन कैबिनेट द्वारा 2 करोड़ नए आवास बनाने का जो निर्णय लिया गया, उसी के क्रम में प्रत्येक गांव-गांव में सर्वे कराकर प्राथमिकता के आधार पर लिस्ट तैयार की जानी है, जिससे जो हमारे और परिवार हैं उनको भी आवास का लाभ दिया जा सके। उसके क्रम में प्रत्येक गांव में खुली बैठक बुलाकर और उस खुली बैठक की तिथि का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। एक लिस्ट बनाई जाएगी, उस लिस्ट को ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर प्रचारित प्रसारित किया जाएगा। उसमें कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उन आपत्तियों का निवारण कर फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके आधार पर जो पात्र लाभार्थी हैं उनको आवास का लाभ दिया जाएगा। इस बार जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार पहले जो आय की सीमा 10,000 प्रति परिवार थी, वो अभी उसको बढ़ाकर 15,000 प्रति परिवार कर दिया गया है। जिन परिवारों में मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर या लैंडलाइन फोन था, वो पहले ऑटो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में था, वो अभी ऑटो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हटा दिया गया है। इस प्रकार जो नई गाइडलाइंस है उससे अधिक परिवारों को कवर किया जा सकेगा। तो हमारा यही प्रयास है कि जनपद में अधिक से अधिक परिवारों को, पात्र लाभार्थियों को पारदर्शी तरीके से इस योजना से लाभान्वित किया जा सके। सर, जनपद में कितना कुछ लक्ष्य है इसका जो अभी तक जो आवास बन रहे हैं उसमें लगभग 28,000 हमारा लक्ष्य है, और जिसमें से हमारे 99.5% के आवास पूर्ण है और बचे कुछ आवास भी पूर्णता की ओर है। और अभी जो नए सर्वे के बाद जो लक्ष्य आएगा उसके आधार पर बचे आवासों का निर्माण किया जाएगा।